हेलो रोहित, बात कर रहे हो? मैं सेक्टर 14 थाने से बात कर रहा हूँ, ब्रजराज किशोर, थाना इंस्पेक्टर। भैया ये बताओ, तुम्हारी एक कंप्लेंट आ रखी है भाई साहब, एक कंपनी से आए कोई और आपने कोई लोन वगैरह लिया है, आप पैसा वैसा नहीं दे रहे हो, क्या चक्कर है भाई? आप पैसा नहीं दे रहे हो और सुना है कि आप गाली गलौज भी कर रहे हो कंपनी के बंदों के साथ, तो आप बताइए करना क्या है? आप यहीं पे आके जरा बात कर लेंगे, पैसा वैसा दे देंगे, अच्छी बात है, मामला खत्म हो जाएगा, नहीं तो मजबूर मुझे फोर्स भेजनी पड़ेगी और दिक्कत हो जाएगी आपने। ठीक है, और मुझे पता है कि आप देवरिया कला मंदिर के पास गली नंबर 4 में रहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह के काम ना करें, चुपचाप कंपनी का पैसा दें, यही मामला खत्म करें, नहीं तो मजबूरन हमारे पास FIR दर्ज हो जाएगी, हमारे पास पूरी कंप्लेंट आ रखी है, ठीक है ना? अगर आपके पास भी इस तरह से थाने से कॉल आ रही है, कोई लोकल इंस्पेक्टर आपको या लोकल कोई थाना इंस्पेक्टर या कोई सिपाही आपको कॉल कर रहा है और बोलता है कि भैया आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, हम थाने से बात कर रहे हैं, आपकी नजदीकी थाने से बात कर रहे हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपके ऊपर कंप्लेंट हो रखी है, आप लोन चुकाइए नहीं तो आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, तो ऐसे में आप सहम जाते हैं, डर जाते हैं, आपको बहुत ऐसा लगता है कि अब हम जेल चले जाएंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी एक बार हुआ है, बहुत पहले हुआ था, आज से 5 साल पहले, मुझे जानकारी नहीं थी। आज हमारे सब्सक्राइबर के साथ ऐसे ही हालात पैदा हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई थानेदार, लोकल इंस्पेक्टर, लोकल का कोई जो पुलिस वाला आपको कॉल करके बोल सकता है कि भैया आपने लोन लिया, आपको FIR दर्ज होगी, क्या ऐसा हो सकता है? पुलिस एक्शन ले सकती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपको जेल भेज सकती है, सारी चीजें क्लियर करूंगा, टेंशन मत लेना, मैं जब तक हूं तो आपको हर एक चीज की जानकारी दूंगा, ऐसी दूंगा कि आपको दोबारा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और सारी सब में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख के आ रहे @vinay0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास किसी भी थाने से फोन आता है, खास करके आपके लोकल थाने से ही आएगा, क्योंकि आपको इस तरह से रिलैक्स कराया जाएगा कि भाई आपने लोन लिया है तो लोकल थाने से तो कॉल आएगा, क्योंकि भाई आपका थाना वो लगता है, अब आप रहने वाले कहीं और की दूसरे सिटी के थाने से कॉल तो आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आप और डर जाते हैं कि मेरे थाने से कॉल आ गया, ऐसा क्या होगा, ये है वो है। अब आपने लिया है लोन, आप चुका नहीं पा रहे हो, आप अपने आप में जेन्युइन है, आप चुकाना चाहते लेकिन पैसा नहीं है, क्या करें? कंपनी बात नहीं समझ रही है, कंपनी आपको बोलती है कि FIR दर्ज कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं भाई साहब, पर्सनल लोन अगर आपने लिया है, चाहे वो 1 रुपए का है, चाहे वो 1 करोड़ का है, और आपने चाहे 1 लोन लिया है, चाहे आपने 1,000 लोन लिया है और डिफॉल्ट हो गए हैं, तो पुलिस का कॉन्स्टेबल या होम गडिया, जो होम गडिया होता है ना, वो भी आपको चू नहीं कर सकता लोन के मामले में। इस बात को ध्यान रखना, पुलिस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पर्सनल लोन में। जी हाँ, अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन बात एक ही होती है, समझे बात को, सिक्योर लोन की बात नहीं कर रहा जिसमें जो चीज गिरवी रखी आती है, अनसिक्योर पर्सनल लोन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, लोन लिया नहीं चुका पाए, पैसा नहीं था, बात खत्म हो गई, डरने की जरूरत नहीं है यार। इस तरह से बहुत कॉलें आपके पास करी जाएंगी, मैं थाने से बोल रहा हूं, या मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या कहते हैं जज बोल रहा हूं, या मैं वकील साहब बात कर रहा हूं, मैं इस चैम्बर से बात कर, आपको ऐसा रियलाइज कराएंगे कि सच में थाने से बात कर रहा है, आप प्रूफ मांगोगे, अपने एक आईडी कार्ड ही भेज देंगे सब इंस्पेक्टर वाला, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से प्रमाणित होगा या जिस राज्य से बात कर रहा है उससे प्रमाणित होगा, आपको यकीन बुरा दिला देंगे और आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, यार ये क्या हो गया यार, लोन नहीं चुकाने पर पुलिस केस हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, घर मालूम पड़ गई तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई इतनी क्यों सोच रहे हो, जब कोई मैटर ही नहीं बनता है तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई भी एजेंट आपको बोलता है या कोई भी कहीं से भी कॉल आती है कि भाई आपने लोन लिया है, मैं इस थाने से या इस चौकी से बात कर रहा हूं, चाहे वो इंडिया के किसी कोने से बात कर रहा हो, किसी भी थाने, किसी भी चौकी से, चाहे आपके लोकल के थाने, लोकल की चौकी से कर रहा है, अरे यकीन कर लेना भाई, टोटल बकवास है, टोटल फर्जी है। यार लोन में पुलिस का कोई मैटर ही नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, एक चीज में पुलिस कर सकती है, अगर आपने लोन लिया है और आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के लोन लिया है, तब पुलिस आपके डंडे करेगी पिछवाड़े में और आपका FIR दर्ज करेगी। अगर कंपनी ने ये प्रूफ कर दिया और पता लग गया कि आपने जो लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, वो आपने फर्जी आधार या फर्जी पर या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो फर्जी लगा रखा है, तब आपने लोन लिया, तब आपके ऐसी तैसी हो सकती है। अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है तो भाई साहब 100 लोन डिफॉल्ट कर लेना, कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकती पुलिस के थ्रू, ठीक है। और एक चीज और भी हो सकती है कि भैया होता है कि असली पुलिस वाला ही आपको कॉल करके इस तरह से बात बोले, क्योंकि कंपनी वाले या एजेंट है उस पुलिस वाले को पैसे खिलाए और उससे कहते हैं भाई दोनों मेरे साथ घर तक चले चलना, यार थोड़ा सा भी धमकी देनी है, वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहा, या तुमसे कॉल कर देना
भाई साहब धोखे से ही पुलिस वाला घर नहीं जाएगा ना कॉल करेगा, क्योंकि अगर वो पकड़ गया तो उसकी सीधे नौकरी जाएगी, बर्खास्त होगा और जेल जाएगा, सो अलग। हर किसी को भी सरकारी नौकरी प्यारी होती, तो कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करेगा। मैं फिर भी 1% मान के चलता हूं, कोई करता है तो बचेगा नहीं, उसकी नौकरी जाएगी, सीधे नौकरी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह ये सुनने में आया कि सर कहते ऐसा हुआ है कि कोई पुलिस वाला आया था वो सच में हमारे लोकल थाने का ही था, ये था वो था। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हुआ होगा तो कंपनी ने पैसा खिलाया होगा, कहा होगा कि हमारे थाने चल रहा है ताकि हम सामने वाले पार्टी को डरा सके, वरना भाई साहब नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? ये एजेंट ना दुनिया भर के सारे हथकंडे अपनाते हैं आपसे लोन की रिकवरी करने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, आपने लोन लिया, भाई पैसा होता तो मैं चुका देता, पैसा नहीं है तो कहां चुकाऊं। लेकिन आपको एक काम जरूर करना होगा, जैसे ही आपको पता लग गया कि भाई अब मैं ईएमआई नहीं चुका सकता, आपको खटाखट अपना मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, प्रूफ के साथ एक मेल डाल दो कंपनी में कि भाई देखो ऐसा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, ये कलेश हो रखा है मेरे साथ, ये प्रूफ है, मेरी जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, ये मेरी माँ बीमार है, सारा मेडिकल पैसा लग गया, ये है वो है, ऐसा पैसा है, दुनिया भर की सारी बातें लिख डालो और प्रूफ के साथ लिख डालो, ठीक है, कि कंपनी देखे तो करे हाँ यार प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी फिर धोखे से भी वो सोच के केस भी नहीं कर पाएगी, वैसे भी केस नहीं करती, केस नहीं कर पाएगी, केस कर भी देगी ना तो आपके हक में केस जाएगा, आपके हक में जज साहब बोलेंगे ध्यान न दिएगा। समझ में आ रही है? तो ये पुलिस वुलिस का कोई मैटर ना होता है, ना जज कॉल करता है कभी, ना ही कोई वकील, ना ही कोई पुलिस वाला कॉल करता है, ठीक है। ये मन की जो धारणा बना रखी है ना, ऐसा है वैसा, पुलिस की कॉल आ गई, अगर कोई ये बोल दे, फोन उठा दे कि बोले भाई थाने, इस थाने से बोल रहा हूं आपका लोन का मैटर है, उससे कहना तेरी माँ की, बस सीधे बात खत्म है, उसको ये बोलना, कहना बेटा पुलिस का कोई मैटर नहीं बनता, तू कहां से हमको चूतिया बना रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका अधिकार है, आपको पहचानना पड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ एजेंट ये भी होते हैं, कहते हैं अरे भाई मैं कंज्यूमर फार्म में जाऊंगा, कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा, अरे क्यों चूतिया बना रहा है यार। कंज्यूमर वो होता है जो सर्विस को यूज करता है, मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया, सैमसंग का फोन मैं यूज कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर हो गया, फोन में कोई दिक्कत आ गई, कंपनी से नहीं है तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जा सकता हूं। अरे कंपनी क्यों जाएगी भाई, कंपनी मेरी सर्विस कर रही है कि मैं कंपनी की सर्विस यूज कर रहा हूं। तो इसी तरह से आपने लोन लिया, आप उसको यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, कंपनी नहीं सुन रही, एलिगेशन नहीं सुन रही, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। अगर एजेंट बोलता है ना, कहना चले जा आराम से जा, और ऐसा करिए फांसी लगवा दिए जा, ऐसा कह दियो, तो ये साले कुछ ना होते हैं, ये बहुत दो टके के अठन्नी चबन्नी छाप, वो सही कहते हैं यार, वो यूट्यूब चैनल पे क्या नाम है उनका, वो चबन्नी छाप एजेंट है, ये लोग ये तलवे चाटते हैं, गुलामी करते हैं कंपनी की, 10,000 रुपये के लिए बिक जाते हैं, तुम्हें गाली दे देंगे, उसको गाली दे देंगे, सिर्फ रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए, चंद कमीशन के लिए। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी पुलिस का लंगर नहीं होता है, कोर्ट केस भी हो सकता है, लेकिन मैंने कल के एक शॉर्ट में बताया था कि भाई कोर्ट केस भी नहीं होगा, टेंशन मत ही लो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जो आपके लोगों के दिमाग में आ रहा था ना, पुलिस केस लोकल थाने से कॉल आ रही है, मैं कह रहा हूँ लोकल छोड़ो, जो होम गड्डिया से भी नीचे एक होता है PRD जवान, अरे उसकी भी औकात नहीं है, और सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कहते हैं पूरे राज्य का पुलिस का जो अधिकारी होता है, मेन अधिकारी होता है, जो मेन बॉस होता है, वो होता है DGP डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो यार कोर्ट कचहरी के मामले, अगर लोन डिफॉल्ट हुआ है तो कंपनी सीधे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, कटवाए, कोर्ट का मामला आए, कोर्ट में जाता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है जो पुलिस पकड़ने जाएगी। बस अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया, आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के लोन नहीं लिया है, तो इसके अलावा समझ लो आपने ये काम नहीं किया, तो पुलिस तो आ ही नहीं सकती, धोखे से भी चू नहीं कर सकती है। समझ में आ गई? तो आपको जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।